नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज का टॉपिक क्या है ये भी आप देख रहे हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए, स्पेशली ऐसी कंडीशन में जबकि आपका प्लॉट या आपका हाउस परफेक्टली कार्डिनल डायरेक्शंस के ऊपर नहीं है, घुमा हुआ है। यानी डायरेक्शन सीधी सीधी नहीं है, घुमी हुई डायरेक्शन, सब डायरेक्शन जो है आपके प्लॉट के बीच में आ रही हैं। ऐसी कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे टॉयलेट वॉशरूम? ये बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इशू है। क्यों? क्योंकि आपको जो कोई बताता है, आपके पास सिर्फ एक ही दिशा बचाती है, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊँगा आपके पास सेकेंड थर्ड ऑप्शन कौन से होते हैं। जानना चाहते हैं तो चलिए आखिर तक। और मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप देख रहे हैं एक के बाद एक नया टॉपिक आ रहा है, जो कि हर एक चलते फिरते वास्तु कंसल्टेंट जो बताते रहते हैं उनसे बहुत हटके है, उनसे बहुत आगे है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको मिलता है एक से एक बड़ा टॉपिक, एक से एक अच्छी बातें वास्तु शास्त्र में। इससे ज़्यादा गहराई में, इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको मुश्किल से कोई सब्जेक्ट मिलेगा, कोई समझाने वाला मुश्किल से मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ दिल से। जी हाँ, आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ वास्तु फॉर वॉशरूम, टॉयलेट एंड ओनली बाथ इन दैट कंडीशन, जब ये पूरा घुमा हुआ है, अपने जो है कार्डिनल डायरेक्शन पर नहीं है। इफ़ द प्लॉट इज अलाइंड ऑन द सब डायरेक्शंस, आपके पास एक प्लॉट है जो कि कार्डिनल डायरेक्शंस पर है। एक दो मिनट आपसे लेंगे कि अगर आपके पास एक वॉशरूम आपने बनाया है जो कि कार्डिनल डायरेक्शंस पर है, कार्डिनल का मतलब हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको गाइड किया था कि इन दैट कंडीशन आपकी जो WC लगेगी वो इधर लगेगी, एक पोजीशन आपके पास ये रहेगी WC के लिए। यानी इधर बैठेंगे तो इधर फेस करेगा बैठने वाला, यूज़ करने वाला। WC का मतलब होता है वाटर क्लोजेट, जिसे हम कहते हैं टॉयलेट की सीट, लैट्रिन की सीट। यहाँ जो बैठेगा वो इधर फेस करेगा नॉर्थ की तरफ। थर्ड कंडीशन आपको मिलती है कि आप साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट सीट लगा सकते हैं आराम से, इस कॉर्नर में अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, टॉयलेट तो टॉयलेट है, वो तो पूरा ही नेगेटिव है। उसमें अगर हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाएंगे तब कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ना लगाएं, क्योंकि वास्तु चलता है मैक्रो टू माइक्रो। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हमें यूज़ करना है वाटर, अगर पानी यूज़ करना है तो पानी हमेशा जो लगेगा वो हमारा या तो नॉर्थ में आएगा, एंटायर नॉर्थ में आएगा, या फिर ईस्ट में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं त्रिशूल, ये जो सिंबल होता है ये वाटर का बनाते हैं हम, आर्किटेक्चर सिंबल है। इसका मतलब आपका जो वाटर है वो एंटायर नॉर्थ और एंटायर ईस्ट में आ सकता है ईजिली। वाटर का मतलब कौन सा होता है? आपका जो शॉवर्स हैं, आपका हैंड वॉश है जिसे हम कहते हैं वॉश बेसन, वो सब आ सकते हैं इन दो दिशाओं में। ये एक कंडीशन हो गई जो बेसिक कंडीशन है आमतौर पर, जिसे कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस के ऊपर आ गई। एक बात समझ लो ना, जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं ना वो तब तक चलेंगी जब मेन डायरेक्शन से 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री माइनस तक बिल्कुल सेम डायरेक्शन रहती है, और इवन 22 डिग्री तक भी, 22 डिग्री तक भी दिशाओं में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। 11 डिग्री पर तो सेम डायरेक्शन होती है, क्योंकि आपको बता दूं एक बात, आपके पास जो कंपास होता है ना उसके ऊपर बिल्कुल 100% एक्यूरेट चेक करना आसान नहीं होता। आप देखिए, आप कमरा बदलिए, जगह बदलिए, आपको 1-2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक आपको डेविएशन मिलता रहता है। इसका मतलब 11 डिग्री तक जो दिशा रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है, 11 डिग्री पर दिशा नहीं बदला करती, 22 पर भी सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है, अब सेकंड कंडीशन जिसमें कि आपका प्लॉट सीधा नहीं है, घुमा हुआ है और आपको वॉशरूम बनाना है, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास सपोज कि यहाँ पर इधर ईस्ट आया, यहाँ पे हमारा साउथ आ गया, इधर वेस्ट आया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया। अब ये प्लॉट घूम गया,
जब प्लॉट घूम गया तो इसका जो सेंटर में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं आग्नेय कोण बोलते हैं हम। ये आग्नेय कोण हो गया, इधर हमारा ईशान कोण हो जाता है इस टॉयलेट का नॉर्थ ईस्ट में। ये टॉयलेट की बात कर रहे हैं, पूरे प्लॉट की नहीं कर रहे हैं अभी हम। ये साउथ वेस्ट हो गया जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, ये नैऋत्य कोण हो गया, और नॉर्थ वेस्ट हमारा हो गया वायव्य कोण। बहुत क्लियर है ये सब। आपने अगर मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, मुझे पता मेरे चाहने वाले बहुत पहले से देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं, सब कुछ पता है, काफ़ी कुछ उनको वास्तु का पता चल चुका है। अब इस प्लॉट में हम क्या कर रहे हैं, हमें वाटर के पॉइंट्स कहाँ देने होंगे। देखिए इसमें एक तो कंडीशन ये बनती है कि आप एंटायर नॉर्थ ईस्ट में पानी के जो शॉवर्स होते हैं, जो पानी के नहाने के लिए होते हैं, हैंड वॉश होता है, यानी आपने जो है अपना वॉश बेसन लगा दिया यहाँ पर, ये अपने शॉवर्स लगा दिया यहाँ होता है। इसके बाद जो हमारी WC आती है, WC की जो पोजीशन आती है वो हम जो है ऐसे लगा सकते हैं आराम से, हमारे पास ये कंडीशन होती है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आराम से हम, राइट। जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन जो बनती है हमारी वो ये बनती है, सेकंड पोजीशन ये बनती है, थर्ड पोजीशन हमारे पास ये बनती है। इधर जो है यहाँ पर और यहाँ पर हम जो है WC को लगाना अवॉइड करते हैं। देखिए WC के लिए आपके पास तीन पोजीशन आई, लेकिन पानी के लिए आपके पास में नहाने के लिए, शॉवर्स के लिए, आपके ओनली बेदिंग के लिए आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन एक बात मान के चलना कि हम वास्तु में आपकी समस्या को सोल्व करते हैं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। वी ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम सॉल्यूशंस, जितना आसानी से आपका जो है जगह बन जाए उतना करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे पास है। मैं ज्ञान देने को तैयार हूं, आप ज्ञान लेने को तैयार हैं। अब देखिए अभी आपके पास लीनियंस है, आप यहां पर भी आ सकते हैं वाटर को लेकर के। इस पूरे के पूरे जो हमारी विड्थ होती है, अगर इसके तीन पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो आप वाटर को यहां पर भी इजीली ले सकते हैं, होगी ना समस्या हल। तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ आपको यही लेना है, नॉर्थ ईस्ट में लेना है। देखिए हमने WC को यहाँ पर जो है हमने यहाँ नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट से फेस नहीं किया, क्योंकि अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है और आपने इसमें कहीं अगर मंदिर बनाया है तो आपको याद होगा आपने जहाँ भी मंदिर बनाया है उस मंदिर में आप जो है नॉर्थ ईस्ट फेस करके पूजा कर रहे हैं। तो जिधर फेस करके हम पूजा करते हैं उधर फेस करके कभी भी यूरिन पास नहीं करते, कभी भी टॉयलेट नहीं करते। ये इसके पीछे है लॉजिक। साथियों मैंने समझाया आपको बहुत बारीकी से, लॉजिक बताया और समझाया। इसमें अगर आपको अपना कोई गीज़र लगाना है तो गीज़र के लिए जो सबसे अच्छी जगह आपको मिलेगी वो बनती है साउथ ईस्ट या बनता है नॉर्थ वेस्ट, बेस्ट फॉर गीज़र, गीज़र के लिए बेस्ट प्लेस। ये भी गीज़र के लिए बहुत अच्छी जगह बनती है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। मुझे लगता है मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में बता दिया है, लेकिन फिर बता रहा हूँ ये कंडीशन जो है हमारी 11 डिग्री माइनस 11 डिग्री प्लस के बाद में अपने आप जो है बदलती है, उससे पहले नहीं बदलती। तो 135 का मतलब है 146 से लेकर के और 124 तक सेम दिशा रहेगी। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरी तरह से बता दिया। और आप जब भी मकान बनाएंगे तो ध्यान करना कि इस रूल को फॉलो करेंगे, आपका टॉयलेट एकदम से परफेक्ट बनेगा, वास्तु के अनुसार बनेगा। इसमें आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसके बारे में लोगों ने चर्चा नहीं की, लेकिन आपके पास मन में है बहुत सारे सवाल। मैं जानता हूँ आपके मन की बात को। साथियों अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को, और लाइक भी कर देना, और अगर आपने शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुतों का भला करेंगे। अपने नॉलेज को औरों से बांटना ये आप मुझसे भी सीखिए, और आगे जो है इसको फैलाते रहिए, क्योंकि भारत का ज्ञान है, एक एक को पता होना चाहिए कि ये हमारी वैदिक विद्या है और सब इसका फायदा लें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।